हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अगेन एक और नया वीडियो लेकर आए हैं आप सभी दोस्तों के लिए। इससे पहले मैं स्ट्रीम लाइव आ चुका हूँ। आप सभी दोस्तों ने जिन्होंने मेरी लाइव वीडियो नहीं देखी, मैंने पूरे पेपर को सॉल्व किया था इस वीडियो, इस अपने लाइव वीडियो में, तो उसका जो मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कई शायद कई स्टूडेंट्स के वो कई सब्सक्राइबर्स के शो नहीं कर रहा वो लिंक, वीडियो आ नहीं रहा कईयों के पास में। तो मैंने जो डिटेल में जो पूरे RPSC AN 2018 का पूरी आंसर की मैंने डिटेल में डिस्कस करी है आप सभी दोस्तों के साथ में। लाइव आया था मैं तो अप्रॉक्स काफ़ी लंबा वीडियो बना था, तो वो मैं उसको मैं शॉर्ट आउट करके सिर्फ आंसर की आपके लिए। कई स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा था कि सर आपका वीडियो आया नहीं, लेकिन मैं आ चुका हूँ लाइव। अभी वो अपलोडिंग में चल रहा है, पता नहीं टाइम क्यों ले रहा है वो अपलोड होने में। इसीलिए मैं दोबारा से एक और नया वीडियो आप सभी दोस्तों के लिए लेकर आया हूँ, जिसके अंदर वही सारे क्वेश्चंस मैं वापस एक बार फटाफट फटाफट सारे मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन सही हैं। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का RPSC का ये जो वीडियो है, RPSC AN 2018 का, जो कि सिविल इंजीनियरिंग का पेपर हुआ था आज की डेट में, जो कि इवनिंग शिफ्ट में हुआ था, 2 से लेकर के 4 के बीच में। तो उसका पूरा पेपर आपके साथ में डिस्कस करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसकी सारी आंसर की एग्जैक्टली मैंने मोर देन 100 स्टूडेंट्स के साथ में, मतलब के लाइव चल रहे थे उस वक्त, मोर देन 1000 स्टूडेंट्स ने वो वीडियो देखा है, अभी तक देख चुके हैं मोर देन 1000 स्टूडेंट्स। तो उन्हीं सभी की रेस्पॉन्स से अगर कोई गलत हुआ तो हम सब ने मिलकर के एक करेक्ट आंसर की बनाई है, जो कि प्लस माइनस आप 5 कर दीजिएगा, इससे ज़्यादा कहीं वेरी नहीं करेगी। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं पाँच आंसर की को। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिएगा, आगे पीछे आपके कहीं क्वेश्चन हो तो उसमें आप फटाफट करेक्ट करते चाहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है फोर्थ ऑप्शन, सेकेंड का है, इससे मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, पूरी डिटेल में मैंने आंसर की डिटेल में आपके साथ में डिस्कस कर रखी है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, स्टडी मैवे को, लाइक करिए, और अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप्स हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, उन सबको भी बताइए। और आप अपने आपके नंबर कितने बन रहे हैं वो आपको मेरे मेरे कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं आउट ऑफ 200 सिविल इंजीनियरिंग में और आउट ऑफ 200 जीके के अंदर, स्पेशली जीके का, क्योंकि जीके का पेपर आज बहुत टफ था। जिनके 30 to 50 जिनों के क्वेश्चंस हुए हैं या फिर जिनके मार्क्स आ रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा स्कोर है। ओके फ्रेंड्स, खराब नहीं है, इतनी टेंशन मत लीजिए, ज़्यादा कट ऑफ जाएगी नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर है वो है फर्स्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 3 का साइड ड्रेन्स, क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वो है फोर्थ ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 5 का है सही आंसर थर्ड ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 6 का टैकोमेट्री वाला वो है सेकंड ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 7 का है सेकंड ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 8 का है नाइट्रेट्स। मैंने डिटेल में पूरा वीडियो, पूरा 100 क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस किए हैं आपके साथ में, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँ, अगेन मैं बता दूँ, वहाँ से आप पूरे वीडियो को देख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 का है थर्ड ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 9 का है फोर्थ ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 10th का है, एश्योर हो जाइए पूरी आंसर की एकदम सही होगी, प्लस माइनस अगर 5 कर दिया जाए तो हो सकता है कोई दो चार क्वेश्चन, यार कोई भी कुछ 100 नहीं कर सकता है ना, 100 में से 100 मैं बोल नहीं सकता, लेकिन 2 to 4 क्वेश्चन हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए। ओके, बाकी आउट ऑफ बाकी सारे क्वेश्चन एग्जाम एकदम करेक्ट है। 10 में से सेकेंड ऑप्शन, 11th का सेकेंड ऑप्शन फटिंग, 12th का होगा आर्चेस। ओके, 13 की तरफ चलते हैं, 13 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, इसमें गलत लगा रखा है, 13 का सही आंसर है क्रोमियम प्लेट, 13 का सही आंसर है क्रोमियम प्लेट, 14th का सही आंसर, 14th का सही आंसर है स्टीप फुट रोलर। ओके, 15th का सही आंसर है फर्स्ट, यानी सेम वेलोसिटी, 15th का आंसर है फर्स्ट, 16th का आंसर है 3/3 यानी 2.34 ट्रायंगल का होता है, 17th का आंसर सही है, 17th का देखिए, 17th का सही है फोर्थ ऑप्शन। ओके फ्रेंड्स, 18th मैं इसमें डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने डिटेल में डिस्कस कर चुका है इससे पहले, नया जो आपके साथ में स्ट्रीम जो आया था, थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा वीडियो, और नहीं होता है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक दे दूंगा, वहाँ से इजीली उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं, एज पर IAS 800 द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ पुरलिन कितना होता है, इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो क्या है, वो है फोर्थ ऑप्शन, 18th का जो सही आंसर है वो WL/8 होता है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 का द स्टैंडर्ड मेरिडियन पूछा गया था, सेकेंड 82° 30' होता है, 20th का जो सही आंसर है वो है फर्स्ट, यानी डॉर्मर विंडो होता था, विंडो प्रोवाइडेड ऑन द स्लोपिंग रूफ ऑफ बिल्डिंग इज कॉल्ड डॉर्मर विंडो, 21st का एक्विन क्लोजर यानी थर्ड ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है,
रेजिन, रेजिन क्या है? नॉट सॉल्युबल इन वाटर, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है स्टेप्स जो ट्रेंगल शेप के होते हैं उनको विंडर्स कहते हैं। 24th का बेंडिंग स्ट्रेस सही है। 25th का देखिए, 25th का थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। 26th का लुईस सॉइल। 27th का द टेंडेंसी ऑफ अ स्टोन इज टू स्प्लिट अलॉन्ग, उसका होता है क्लीवेज। ओके, क्लीवेज इज द करेक्ट आंसर। द टेंडेंसी ऑफ द स्टोन इज टू स्प्लिट अलॉन्ग क्लीवेज, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। 5% मोर हो जाता है क्या बोलते हैं स्पायरल, इसमें क्या बोला गया था? द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट कॉलम एज कम्पेयर टू दैट ऑफ टाइड कॉलम इज 5% मोर। 28 का देखते हैं आप। द वर्टिकल मेंबर यूज्ड इन डोर फ्रेम इज पोस्ट, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। द प्रॉपर्टी ऑफ द इंग्रेडिएंट टू सेपरेट दैट इज सेग्रीगेशन होता है 30th का। 31st, व्हेन एच इज द डिफरेंस इन हाइट बिटवीन द एक्सट्रीम ऑफ द चेन लेंथ एल देन द करेक्शन फॉर एस स्लोप रिक्वायर्ड इज एच स्क्वायर अपॉन 2L होता है। द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन टेकन टू टर्निंग पॉइंट इज इसमें जो होता है इसका सही आंसर है बैक साइड। ओके फ्रेंड्स, मैंने कई जगह कई बुक्स में इंटरमीडिएट साइड भी देखा है लेकिन इसका जो मैक्सिमम रिस्पॉन्स आया है वो बैक साइड से आया, यानी 32 का फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 32 का फर्स्ट ऑप्शन। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर है सर्वे डन टू अंडरस्टैंड द हेवनली बॉडीज, हेवनली है ये, हैवी नहीं है, हेवनली बॉडीज इज नॉन एज एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इन इंडिया विच टेक्नोलॉजी इज हाईली अडोप्टेड फॉर फ्लोराइड रिमूवल, दर इज नालगोंडा मैथड, नालगोंडा मैथड इज द करेक्ट आंसर। 35th का देखते हैं। फॉर पाइप टर्बुलेंट फ्लो अकर व्हेन रेनॉल्ड्स नंबर इज मोर देन 4000। 36 का देखते हैं। एन आइसोबार इज अ लाइन विच कनेक्ट ऑल पॉइंट बिलो द ग्राउंड सर्फेस एट विच द वर्टिकल स्ट्रेस इज सेम। अनडिस्टर्ब्ड टेस्ट आर रिक्वायर्ड फॉर कंडक्टिंग कंसोलिडेशन टेस्ट। 38 की तरफ चलते हैं। द अर्थ प्रेशर बिहाइंड ब्रिज अबर्टमेंट इज एट रेस्ट। ओके, बल्किंग ऑफ सैंड इज मैक्सिमम इफ मॉइस्चर कंटेंट इज अबाउट 5%, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही है। 40th, द डायमीटर ऑफ द इसका डायमीटर ऑफ द नीडल ऑफ विकेट अपैरेटस फॉर इनिशियल सेटिंग टाइम 1 mm होता है। टाई बार इन सीसी लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स। 42 की तरफ चलते हैं। इन अ कॉमन प्रैक्टिस टू डिजाइन अ हाईवे टू अकोमोडेट ट्रैफिक वॉल्यूम करस्पॉन्डिंग टू 30th हॉर्स पावर वॉल्यूम द टू मेन गैसेस ऑब्टेन फ्रॉम एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। एज पर आई एस 456 द वैल्यू ऑफ FY एट आउटरमोस्ट टेंशन फाइबर इज 0.002 प्लस FY अपन 1.15 ES होता है। ओके, 48 का एक RL का क्वेश्चन था जिसमें आपको कुछ दे रखा था, ये कोई RL दे रखा था इस पॉइंट का A का, यहाँ पर आपको बैक साइड ट्रेडिंग यहाँ पर दे रखी थी, आपको ये सीलिंग का बताना था, यहाँ का पॉइंट आपको बताना था, तो उसका जो सही आंसर है वो 405 डिग्री निकाल लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, इन देख लीजिए मैंने यहाँ पर सॉल्व भी कर रखा है, इन दोनों को इन तीनों को आप प्लस कर दोगे तो ये 105.20 डिग्री आ जाएगा। ओके, हाइड्रोलिक लाइन इज ऑप्टेन फ्रॉम, ये हो कैल्सिनेशन ऑफ प्योर लम, हालांकि ये चारों ऑप्शन गलत है, क्वेश्चन ही गलत है। ये हाइड्रोलिक लाइम जो बनता है वो बनता है स्लैकिंग ऑफ प्योर लाइम से, ओके, ना कि कैल्सिनेशन ऑफ प्योर लाइम से। लेकिन जो भी आंसर मोस्ट प्रिफरेबल है वो सही हो सकता है, 4th ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, एक्सेस ऑफ सिलिका इन द क्ले मेक्स द ब्रिक ब्रिटल एंड वीक कर देती है। 48, न्यूपियर इज सुटेबल फॉर यूजेस, न्यूपियर किस चीज़ के लिए सुटेबल है यूज़ के लिए, वो सही आंसर है इसका हार्ड ड्यूटी रबर कोटिंग ऑफ फ्लोर्स, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। इन ए ट्रांजिट थर्डोलाइट एंड इंसिडेंट एरर ड्यू टू द इसेंट्रिसिटी ऑफ वर्नियर इन प्रिलिमरी एनकाउंटर्ड बाय रीडिंग बोथ द वर्नियर, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। इन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सिंपल कर्व इज 229.2 meters देन द डिग्री ऑफ कर्व इज, अपने पास में डिग्री ऑफ कर्व निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं। अगर 30 meters अगर आप चेन लेंथ लेते हो तो आपके पास में फॉर्मूला होता है 1720 upon r, और अगर आप 20 meters चेन लेते हो तो 1150 upon r। अगर आप इससे करके देखते हो तो आपका आंसर आता है 7 point something, अगर 1150 upon r करके देखते हो तो आपका आंसर आता है फ्रेंड्स अप्रॉक्सीमेटली 5 degree। तो सही आंसर इसका जो निकलेगा वो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर 50 का। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर आपका निकल के आता है, वो निकल के आता है 12.33 मीटर। 52 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 का आपका सही आंसर आप देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा सारे को, एलाइडेड अपन प्लेन टेबल में, एरो चेन रो चेन सर्वे में। ओके, बबल ट्यूब अपन लेते हैं यूज लेवलिंग में, और स्टेडियो हेयर थर्ड लाइट सर्वे में, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं अपन, इसमें भी जो सही आंसर है वो थर्ड ऑप्शन ही है, मैच कर लिए। प्रॉक्टर टेस्ट अपन कॉम्पैक्शन में, वेन टेस्ट अपन शेयर स्ट्रेंथ में, पेनिट्रेशन टेस्ट अपन लेते हैं बियरिंग कैपेसिटी में, हाइड्रोमीटर मेथड लेते हैं अपन ग्रेन साइज एनालिसिस में। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 54 आपके पास में फुटिंग दे रखी है, जिसको आप सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास में निकल के आ जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 80। ये देख लीजिएगा, इसको सॉल्व करिएगा, यहाँ से आपका 150 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 0.5 इंटू 1.5 आपका सॉल्व करेंगे तो 80 आपका निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर, हालांकि मेरे को अभी तक मैंने काफ़ी सारे सॉल्व किया लेकिन निकल के नहीं आया, इसलिए मैंने इसको अभी तक इसको डिस्कस नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 का जो सही आंसर है वो आपका है सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्शन। पूछा क्या गया था, फॉर ए गिवन सेक्शन शेयर फोर्स अक्रॉस अ सिमेट्रिक आई सेक्शन द इंटेंसिटी ऑफ शेयर स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट द सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्शन, यानी कहाँ पर मैक्सिमम होती है, सेंट्रॉइड पे होती है। ओके फ्रेंड्स, कहाँ पर मैक्सिमम होती है, सेंट्रॉइड पर मैक्सिमम होती है। 57 को देखते हैं। 57 में आपसे पूछा गया था रिएक्शन, यानी कि ये आर बी आपको रिएक्शन फोर्स निकालनी थी, जो कि कैसे निकालेंगे आप, ये देख लीजिए, डब्ल्यू एल की पावर 4 अपॉन 8 ई आई इज इक्वल टू आर बी एल क्यूब अपॉन 3 ई आई। यहाँ से आपके पास में आर बी आप इजिली निकाल सकते हैं, 3/8 डब्ल्यू एल, मैंने सॉल्व करके दिखा दिया। 58 देख लीजिए, टू बीम्स ऑफ सेम मटेरियल हैव इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया इफ वन बीम हैज़ क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि स्क्वायर सेक्शन विल बी स्ट्रॉगर। कौन सा सेक्शन स्ट्रॉगर होगा, स्क्वायर सेक्शन। ये कब कंडीशन में, यहाँ पर कंडीशन देख लीजिए, इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है आपको, यहाँ पर मैंने पूरा सॉल्व करके दिखा रखा है, यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनटू ये 32 इनटू 4 भी होगा, क्योंकि ये 32 यहाँ पर यहाँ पर 32 को इसे पूरा मल्टीप्लाई बाय 4 भी होगा, है ना, इसको देख लीजिएगा। लेकिन ये जो सही आंसर है उसका सही आंसर यही है, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 का फिफ्थ ऑप्शन सही है, यहाँ पर ये देख लीजिए, इसका फॉर्मूला लगना था 3J माइनस आर माइनस एम डैस, एम डैस यहाँ पर आपको एम डैस आप यहाँ पर जो लेंगे वो कितना लेंगे, मेंबर्स लेंगे, यहाँ पर क्यों मेंबर्स लेंगे, नेग्लेक्टिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन, इसलिए सही आंसर इसका जो निकल के आएगा वो 5 निकल के आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 60 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर है आपका 20 किलो न्यूटन पर मीटर, यानी 60 का थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 का थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 का फर्स्ट ऑप्शन देख लीजिएगा, सारे रीड आउट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 62 का फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर जो 63 है उसका फर्स्ट ऑप्शन आपका एकदम सही है, क्वेश्चन नंबर 63 फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगर 64 देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 64 का फोर्थ ऑप्शन यानी डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, स्लोप ऑफ द रूफ शुड नॉट एक्सीड 30 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 65 का आपका निकल के आएगा, क्वेश्चन नंबर 65 का आपका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, यानी फर्स्ट एंड फोर्थ। इन कंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल द मेन रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड ऑन द बॉटम फेस इन फ्रंट कंटर फोर्ट एंड इनक्लाइन फेस इन बैक कंटर फोर्ट, यानी फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 आप देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 66 मेरे को नहीं पता चला अभी तक। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 का सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 का सेकंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 68, ड्रॉ पार प्रोवाइडेड, ड्रॉ पैनल्स जो होते हैं आप जो फ्लैट स्लैब में ड्रॉ पैनल जो यूज़ में लेते हैं वो थ्रस्ट के लिए डिज़ाइन किया जाता है। 69 का देखेंगे आप, इसमें ये जो ये डक्टाइल फेलियर दे रखा है ये गलत है, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी कि अकॉर्डिंग टू IS 456 ओवर रेनफोर्स सेक्शन आर नॉट परमिटेड बिकॉज देयर इज डक्टाइल फेलियर नहीं होता, यहाँ पर ब्रिटल फेलियर होता है फ्रेंड्स। क्या होता है, ब्रिटल फेलियर ऑफ ओवर रेनफोर्स सेक्शन कैसा होता है, ब्रिटल फेलियर हो जाता है, इसलिए अपन नहीं कहते, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 70th का आप देखेंगे तो 70th का सही आंसर निकल के आएगा 6 mm, देख लीजिएगा मेरा 6 mm आएगा। 70th को आप सॉल्व करेंगे तो इसमें 6 mm आपका निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में मैक्सिमम स्टूडेंट्स का 10 न्यूटन निकल के आ रहा है, तो आई होप यही सही होना चाहिए। 71 का सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 72 का आपको दे रखा था एक पत्थर फेंक रहे हैं, तो इसमें
वैसे तो नॉर्मली अगर एक्चुअल कंडीशन देखी जाए तो इसमें क्रिटिकल होना चाहिए था, लेकिन क्रिटिकल दे नहीं रखा है, तो इसलिए अपन सुपर क्रिटिकल इज द बेस्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। 73 का आप देखेंगे तो 73 का 2.1 मैंने पूरा सॉल्व आउट कर रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इजीली। ओके फ्रेंड्स देख लीजिएगा, पूरा मैंने सॉल्व कर रखा है। 71 ए कैचमेंट एरिया ऑफ 60 हेक्टेयर, इसमें आप देखेंगे तो इसमें जो निकल के आएगा आपका वो निकल के आएगा 74 का, 74 का आपका सही आंसर निकल के आ रहा है 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 75 का अपन देखते हैं, 75 का आंसर जो निकल के आ रहा है आपका वो निकल के आना चाहिए, 75 का सही आंसर आपका निकल के आना चाहिए बी ऑप्शन, यानी कि 80 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके फ्रेंड्स क्या निकल के आएगा, 80 मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो आपका सही है। 76 का देखते हैं, 76 का जहाँ तक मुझे लगता है फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए, पर आई हैव सम कन्फ्यूजन इन दिस क्वेश्चन, सो लेफ्ट दिस। 77 फोर्स कंसिडर्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ द ग्रेविटी डैम अंडर एम्पटी रिजर्वर कंडीशन, जब रिजर्वर आपका एम्पटी है तो वाटर तो लगेगा ही नहीं, तो वाटर कुछ है ही नहीं, तो ये तो तीनों प्रेशर होंगे नहीं, तो ऑप्शन आपका बचता है सेल्फ वेट ओनली, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 78 की तरफ देखते हैं तो 78 में आपको देखने को मिलेगा द फॉलोइंग द करेक्टरिस्टिक्स परमिटेड टू सैंड फिल्टर यूज्ड इन द वाटर इंडस्ट्री, तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है फिल्टर रेट इज 1 to 4 मीटर क्यूब होता है, जाहिर सी बात है। इसमें 18 to 24, तो 18 to 24 होता है प्राइमरी सेडिमेंटेशन के लिए, नहीं, मैंने थोड़ा अलग बोल दिया, फिल्ट्रेशन पूछ रहा है इसमें। फिल्ट्रेशन रेट 1 to 4 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर होती है, लेकिन जो ड्यूरेशन होती है ये इतनी नहीं होती, ये इससे ज़्यादा होती है, क्योंकि इतना टाइम तो इसको स्मूथ डेक प्रिपेयर करने में ही लग जाता है। ओके ऑपरेशन कॉस्ट ये भी सही है, ये भी सही है, तो इसका सही आंसर होगा 78 का फोर्थ ऑप्शन। 79 की तरफ चलते हैं, 79 को आप मैच कर लीजिएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, मैच कर लीजिए आप अपना पॉज करके। 80 जहाँ भी आपको लगता है मैं थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा हो गई, तो वहाँ पॉज करके वीडियो और अच्छे से देख लीजिएगा। ओके 80th क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके 81 देखते हैं, 81 को आप सॉल्व आउट करेंगे तो ये मैंने सॉल्व कर रखा है यहाँ पर, तो आपका 900 mg/L निकल के आ जाएगा। 82 का थर्ड ऑप्शन यानी ट्रिकलिंग फिल्टर, 83 का एरोबिक ओनली, 83 का फ्रेंड्स एरोबिक ओनली। 84th का आप देखेंगे तो 84th का मेरे को से थोड़ा कन्फ्यूज़न है, पर फिर भी फोर्थ ऑप्शन यानी 280 मीटर मेरा इतना एग्जैक्ट नहीं आया था, लेकिन हल्का सा वेरी कर रहा था, इसलिए मेरे को भी कन्फ्यूज़न है, लेकिन फिर भी अभी हाल फिलहाल फोर्थ ऑप्शन आप करेक्ट कर लीजिएगा। 85th का ओके 85th का कम्युलेटिव स्टैंडर्ड एक्सल, ओके फ्रेंड्स कम्युलेटिव स्टैंडर्ड एक्सल ऑफ MSA, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर 85th। 86th की तरफ चलते हैं, द जनरल रिक्वायरमेंट इन कंस्ट्रक्शन है रेनफोर्स कॉन्क्रीट रोड, इसके लिए जो रेनफोर्समेंट देते हैं वो तो एट द मिडल देते हैं, और पेंसकी मार्टिन फ्लैश एंड फायर के लिए यूज़ में लेते हैं, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। ओके डायलेशन करेक्शन एन इज इक्वल टू 15 + ½ of n - 15 होता है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। 89 का ऑल ऑफ दिस यानी कि सेटिस्फाई करवाने के लिए बोल रहा है, सेटिस्फाई कब करेगी इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर, इक्विलिब्रियम भी होनी चाहिए, कंपेटेबिलिटी भी होनी चाहिए, फोर्स डिस्प्लेसमेंट रिलेशन भी होना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 90th की तरफ देखते हैं, 90th का ऑल ऑफ दिस, ओके ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर है। 91st आप देखेंगे तो 91st का भी ऑल ऑफ दिस करेक्ट है। ओके 91st मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम इज स्ट्रक्चर एनालिसिस इज ट्रू फॉर एनी स्ट्रक्चर ऑबेस हुक्स लॉ कैन बी अप्लाई टू द रोटेशनल कॉज्ड बाय फ्लक्स शेयर और टॉर्जन इज यूजफुल इन एनालाइजिंग इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, सही बात है, चारों सही है। क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 में ए ऑप्शन यानी कि स्पान अपॉन 250 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ चलते हैं, ओके क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ चलते हैं, फॉर द ओवरऑल कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट क्या होती है, ट्वाइस, ए ऑप्शन इसका सही है, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पुल्लिन प्लस कॉस्ट ऑफ रूफ कवरिंग, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पुल्लिन प्लस का कॉस्ट ऑफ रूफ कवरिंग, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। इनडिटर्मिनेट क्या, वर्टिकल स्टिफनर इन प्लेट गर्डर इज यूज फॉर प्रिवेंशन ऑफ लोकल बकलिंग, यानी ए ऑप्शन इसका सही है। डिटरमाइन डिटेंशन टाइम फॉर वाटर सेडिमेंटेशन टैंक यूज कोएग्रीगेशन रॉ सप्लाई मे बी 2 to 4 आवर, ओके फ्रेंड्स ये होती है प्लेन सेडिमेंटेशन के लिए, ओके ये तो होती है कोएगुलेशन सेडिमेंटेशन के लिए, और ये होती है प्लेन सेडिमेंटेशन के लिए, लेकिन अपन को पूछी किसकी है, कोएगुलेशन की, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। 96 देखेंगे तो ओवरऑल हेड, 96 में ओवरऑल शीट ऑफ वाटर ऑन ए वियर इज, इसको अपन क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसमें दो ऑप्शन में थोड़ा कन्फ्यूजन है, नेवियर और क्रिस्ट के अंतर, इन दोनों में से ही एक होगा, कुछ स्टूडेंट्स का हेड की तरफ से भी आ रहा था,
लेकिन मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है इसलिए अभी इसको रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 की तरह चलते हैं। 97 में भी काफ़ी कंफ्यूजन है क्योंकि ट्रांजिशन कर्व पूछा है, शेप रिकमेंडेड बाय IRC। अब IRC तो तीनों को रिकमेंड बोलता है करने के लिए, लेकिन इसमें सेकेंड ऑप्शन तो एग्जैक्टली गलत हो गया। स्पायरल इसलिए हो सकता है क्योंकि ये आइडियल कर्व होता है। क्यूबिक पैराबोला इसलिए हो सकता है क्योंकि ये रोड्स में यूज़ में लिया जाता है, और IRC इंडियन रोड कांग्रेस है, और ऑल ऑफ दिस इसलिए क्योंकि तीनों स्पायरल कर्व होते हैं। तो इसमें से कोई सा भी हो सकता है, लेकिन मेरे को तो अभी कन्फ्यूजन है। मोस्ट प्रोबेबली जो इसका आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए। 98 एसफॉल्ट कॉन्क्रीट इज मिक्स कंप्राइजेस ऑफ। क्वेश्चन नंबर 3 इसका सही है। 99 का 24 सही है, यानी कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स। जब टू वे ट्रैफिक होगा, दोनों साइड से ट्रैफिक होगा दोनों रोड्स में, तो कितने कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट बनते हैं? 24 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट बनते हैं। ओके, स्टॉप साइन तो बहुत ईजी है, ऑटो कैनल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिए, एक वीडियो पे इस वीडियो पे लाइक जरूर करिएगा, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आने वाले बेहतरीन वीडियो जो कि SSC के लिए बनेंगे, RPSC की मेंस की तैयारी के लिए होंगी, जो कि आपको हमारे इस चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस फ्रेंड।